press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द एक्सीलेंट एकेडमी में। मैं शुभम त्रिपाठी आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेकर आया हूं वो आर्ट एंड कल्चर से संबंधित है। तो आर्ट एंड कल्चर से संबंधित जो भी प्रश्न वन एग्जाम में पूछे गए हैं 4-5 सालों में, हम लोग सब उसी पर जो है बातचीत करेंगे। मैं क्वेश्चन दूंगा और उनके ऑप्शन दूंगा और आप लोगों को उसके आंसर बताने होंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि आंध्र प्रदेश किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है। ये प्रश्न आपका आरआरबी एनटीपीसी 2016 की परीक्षा में पूछा गया था कि आंध्र प्रदेश इज फेमस फॉर दिस डांस किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है। आपके ऑप्शंस हैं गरबा, कथकली, कुचिपुड़ी या फिर भरतनाट्यम। गरबा, कथकली, कुचिपुड़ी या फिर भरतनाट्यम। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो सही उत्तर है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का प्रमुख नृत्य है, नृत्य शैली है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। पंजाब किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है। बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है और मैं ऑप्शन दूंगा तो मुझे आशा है कि आप तुरंत इसको गेस कर लेंगे। ऑप्शन है गरबा, झूमर, घूमर या भंगड़ा। तो जाहिर सी बात है भंगड़ा होगा। आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि असम किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है। असम आरआरबी ग्रुप डी 2013 की परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि असम किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। आपके ऑप्शंस हैं गरबा, झूमर, बिहू या डांडिया। तो इसका सही उत्तर होगा बिहू। असम बिहू डांस के लिए फेमस है। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि गुजरात किस प्रसिद्ध नृत्य शैली के लिए फेमस है। तो इसका ऑप्शन है डांडिया, झूमर, घूमर या लूर। तो इसका सही उत्तर है डांडिया। डांडिया गुजरात में एक प्रमुख नृत्य है, वहां की लोकल जनता इस नृत्य को करती है और एक खास फेस्टिवल भी मनाया जाता है। तो सही उत्तर होगा इसका डांडिया। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गढ़वाली। गढ़वाली किस राज्य की एक प्रसिद्ध नृत्य है। यह आपका आरआरबी एएसएम 2014 की परीक्षा में पूछा गया था। तो गढ़वाली इस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य है। आपके ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या पश्चिम बंगाल। तो आप लोग जानते होंगे कि गढ़वाल एक वहां का सिटी है उत्तराखंड का, और गढ़वाली जाहिर सी बात है वहीं की आसपास की लोकल नृत्य होगी। तो गढ़वाली गढ़वाल से मैच कर रहा है, उत्तराखंड में अवस्थित है और इसका सही उत्तर भी उत्तराखंड ही होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि झूमर किस राज्य की नृत्य शैली है। झूमर, झूमर किस राज्य की नृत्य शैली है। ये डीएमआरसी एसटी टीओसीआरए 2018 की परीक्षा में पूछा गया था दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन में कि झूमर किस राज्य की नृत्य शैली है। आप लोगों के ऑप्शंस हैं गुजरात, पंजाब, हरियाणा और असम। गुजरात, पंजाब, हरियाणा और असम। तो इसका सही उत्तर होगा, जल्दी से गेस कीजिए आप लोग, झूमर कहाँ का है। हरियाणा का है। हरियाणा की प्रसिद्ध नृत्य शैली है झूमर। अन्य प्रदेशों में भी इसके हैं लेकिन हरियाणा का ही फेमस है। और आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग कॉपी पेन भी रखे रहें और इसको नोट करते हुए चलें क्योंकि आपको ये आगे काम देगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कथकली किस राज्य की नृत्य शैली है। कथकली, तो आपके ऑप्शंस हैं केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। जल्दी से गेस करिए कौन सा हो सकता है। चलिए मैं बताता हूं इसका आंसर क्या होगा। केरल। कथकली केरल की प्रमुख नृत्य शैली है। क्वेश्चन नंबर अगले की ओर चलते हैं हम लोग। मधुबनी शैली, मधुबनी डांस हो गया है, अब हम लोग जो है चित्रकला की ओर चलेंगे। मधुबनी शैली एक चित्रकला है, वो चित्रकला कहाँ के लिए प्रसिद्ध है। आपके ये जो परीक्षा है वो आरआरबी के टीसी और सीसी 2014 में जो है ये प्रश्न पूछा गया था कि मधुबनी शैली चित्रकला कहाँ की प्रसिद्ध है।
तो ऑप्शंस हैं आपके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब और बिहार। तो इसका जो सही उत्तर होगा, जल्दी से गेस कीजिए आप, क्या होगा? चलिए मैं बताता हूं, इसका उत्तर होगा बिहार। तो मधुबनी शैली बिहार के लिए प्रसिद्ध है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा संगीत, भारतीय संगीत, नृत्य और नाटक राष्ट्रीय अकादमी है? निम्न में से कौन सा भारत का संगीत, नृत्य और नाटक का राष्ट्रीय अकादमी है? मैं आपके सामने नाम पढ़ता हूं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, ऑप्शन एक है, और दूसरा है साहित्य अकादमी, नंबर दो है, नंबर तीन है ललित कला अकादमी, और नंबर चार है संगीत नाटक अकादमी। ऑप्शंस आपके सामने लिखे हुए हैं, बताइए कौन सा होगा? चलिए मैं बताता हूं, संगीत नाटक अकादमी। संगीत नाटक अकादमी भारत के संगीत और नृत्य नाटक राष्ट्रीय अकादमी के नाम से है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सुभा मुग्धव संगीत, सुभा मुग्धव संगीत की इस शैली में गाती हैं? किस शैली में गाई जाती है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, कर्नाटक, ध्रुपद, ठुमरी या हिंदुस्तानी, जल्दी से गेस कीजिए। बिल्कुल, इसका सही उत्तर है हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी शैली में इस गीत को गाया जाता है, सुभा मुग्धव संगीत को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पंडित जसराज संगीत की किस शैली में गाते हैं? पंडित जसराज संगीत की किस शैली में गाते हैं? आपके सामने ऑप्शंस हैं, हिंदुस्तानी, ध्रुपद, ठुमरी या फिर कर्नाटक। इसका भी सही आंसर हिंदुस्तानी ही होगा, पंडित जसराज हिंदुस्तानी शैली में गाते हैं। चलिए, ये सारी शैली हैं, कर्नाटकी होती है, ध्रुपद होती है, ठुमरी होती है और हिंदुस्तानी होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस्ताद अमजद अली खान निम्न वाद यंत्रों में से किस के लिए जाने जाते हैं? उस्ताद अमजद अली खान किस वाद यंत्रों को बजाने के लिए जाने जाते हैं? आपके ऑप्शंस हैं, सरोद, सितार, ढोल या फिर आपका हो जाएगा तबला। तो इसका सही उत्तर होगा सरोद। तो उस्ताद अमजद अली खान सरोद बजाने के लिए प्रसिद्ध हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध वादक सरोद कौन बजाते हैं? वही प्रश्न है, आरआरबी, आरपीएफ और आरपीएसएफ 2014 में पूछा गया था। इस प्रश्न को थोड़ा सा घुमा करके पूछा गया था कि प्रसिद्ध वादक सरोद कौन है। तो प्रसिद्ध वादक सरोद भी वही है जो अभी मैंने आपको नाम लिया, उस्ताद अमजद अली खान। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरि प्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं? हरि प्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं? यह भी परीक्षा आपका रेलवे में पूछा गया है, रेलवे 2017 की परीक्षा में पूछा गया है। ऑप्शंस हैं आपके, बांसुरी, सहनाई, नादास्वरण या फिर सितार। तो किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाने के लिए फेमस है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध हैं? आपके सामने ऑप्शंस हैं, सरोद, सितार, संतूर या फिर सारंगी। पंडित रविशंकर इनमें से क्या बजाते हैं? तो वो सितार बजाने के लिए फेमस है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। आइए अब आपके सामने अगला क्वेश्चन मैं रखता हूं। उस्ताद जावेद अली खान संगीत की किस शैली में गाते हैं? उस्ताद जावेद अली खान संगीत की किस शैली में गाते हैं? आपके सामने ऑप्शन है, कर्नाटक, ठुमरी, हिंदुस्तानी या ध्रुपद, जल्दी से गेस कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ठुमरी। ठुमरी गाते हैं उस्ताद जावेद अली खान, ठुमरी गाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, यह कलाकार कर्नाटक संगीत का एक प्रसिद्ध गायक या गायिका है। यह प्रसिद्ध कलाकार कर्नाटक संगीत का एक प्रसिद्ध गायक गायिका है, आपको गेस करना है, कर्नाटक संगीत का प्रसिद्ध गायक गायिका है। और यह परीक्षा
आरआरबी एनटीपीसी 2017 में ये प्रश्न पूछा गया था, मैं आपके सामने नाम गिन रहा हूं, ऑप्शन आपके सामने है, उदय भवलाकर, एम एस सुब्बालक्ष्मी, क्योंकि इसमें मेल फीमेल दोनों है तो गायक गायिका में से आपको किस करना है, तीसरे हैं पंडित जसराज और चौथा है नैना देवी। तो कौन प्रसिद्ध कर्नाटक के गायक या गायिका हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, एम एस सुब्बालक्ष्मी कर्नाटक की प्रसिद्ध गायिका है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित वादकों में से कौन एक सहनाई बजाता है? निम्नलिखित मैं जो आपके सामने नाम गिनूंगा उसमें से कौन सहनाई बजाने के लिए प्रसिद्ध है? आपके सामने ऑप्शन है हरिप्रसाद चौरसिया, गलत, यहीं से गेस कर लीजिए, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाने के लिए फेमस है। नंबर दो हम बात करेंगे बिस्मिल्ला खान, बिस्मिल्ला खान। नंबर सी है आपका एन रमड़ी और ऑप्शन डी है आपका टी आर महालिंगम। तो इसका सही उत्तर होगा बिस्मिल्ला खान, बिस्मिल्ला खान सहनाई बजाने के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निमार क्षेत्र में प्रसिद्ध ढोला मारू लोक काव्य की उत्पत्ति कहां हुई? तो आपके ऑप्शन ये डीएमआरसी, एसटीआरओ और सीआरए 2018 में पूछा गया था। आपके ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश, जल्दी से गेस कीजिए, इसका उत्तर होगा राजस्थान। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सारे जहां से अच्छा गीत किसके द्वारा लिखा गया? बहुत ही फेमस प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में आया है और अभी हाल ही में एसएससी सीजीएल 2017 में भी पूछा गया है। तो आपके सामने ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, मोहम्मद इकबाल, जयशंकर प्रसाद और रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद इकबाल सारे जहां से अच्छा लिखा गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने इस वीडियो को देखा है और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं अगला वीडियो जल्दी आपके सामने लेकर प्रस्तुत होऊंगा। नमस्कार।